माय यूट्यूब चैनल। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टुडे लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स अमंग मेनी चार्जेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ, इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो देखिए परीक्षण आवेश क्या होता है, एक ऐसा धनावेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है लेकिन किसी अन्य आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को भी प्रभावित नहीं करता। मतलब इस आवेश का यूज क्या हुआ, इस आवेश का यूज ये किया जाता है कि परिणामी बल की गणना करने के लिए और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए परीक्षण आवेश का यूज किया जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन, ये कैसा आवेश है, एक अल्प धनावेश है लेकिन कंडीशन क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है और ये भी कंडीशन है कि ये किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को भी प्रभावित नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत होता है और उसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं और ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कूलम का नियम और कूलम का नियम बताता है कि दो आवेश है वो स्थिर आवेश होने चाहिए और स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएट होता है, स्थित है, तो उसके मध्य कूलम बल लगता है। अगर दो आवेश की जगह दो या दो से अधिक आवेश हो जाए तो फिर वहां पर कौन सी एप्लीकेशन यूज होगी। तो देखिए दो या दो से अधिक आवेश हो जाएंगे तो वहां पर जो बलों के लिए नियम लगेगा वो नियम लगेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए ये होता क्या है, ये एक सिस्टम है, निकाय है, इस निकाय का मेरे को ज्ञात करना है परिणामी बल। तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए देखिए इस निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश सिचुएट है और परिणामी बल की गणना करनी है। तो परिणामी बल की गणना के लिए यहाँ पर एक आवेश है Q0 जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, परीक्षण आवेश। इस पर लग रहा है बल F0, ये है परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सभी आवेशों पर जो बल लग रहे हैं इस पर F1, F2, F3, F4 एंड F5, तो सभी आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। जो इसका मान है F0 इक्वल F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर डॉटेड अप टू Fn वेक्टर। मतलब ये हुआ कि परिणामी जो बल है F0 उसका मान सभी आवेश निकाय के उन पर लगने वाले बलों के योग के तुल्य होता है। और इस नियम का यूज आपको पहले बता दिया, जब दो से अधिक आवेश होंगे तब अध्यारोपण के सिद्धांत का हम लोग यूज करेंगे, जब दो ही आवेश होंगे तो कूलम के नियम का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल का मतलब होता है बहुत सारे, दो से अधिक होंगे तो वो बहुल आवेशों के अंतर्गत काम होंगे। ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति है XYZ, इसमें आवेश स्थित है Q1, Q2, Q3, Qn, बहुत सारे आवेश स्थित है और इस सिस्टम का हमें परिणामी बल ज्ञात करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना। इसके लिए हम लोग इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि एक परिणामी परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर ली। ये हमने कंसीडर कर दिया कि एक Q0 है वो यहाँ पर आवेश है। Q0 आवेश की कल्पना क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था अध्यारोपण के सिद्धांत में परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं परिणामी बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो है R0 वेक्टर और इनके हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड RN वेक्टर। तो देखिए इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3 डॉटेड अप टू Qn, इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1, R2, R3 डॉटेड अप टू RN वेक्टर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल की गणना करनी है। इसके लिए टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R0 वेक्टर। तो देखिए अब इसका यूज कर रहे हैं, इसमें कूलम्स का वो इंपॉर्टेंट है वो यूज होगा। देखिए सर्वप्रथम आवेश Q1 के द्वारा परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है तो उस बल की गणना किससे करेंगे, तो वो हमने पढ़ रखा है दो चार्ट, ये जो आवेश है Q1 परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है, तो देखिए इस पर बल लगा रहा है तो ये क्या लिखा जाएगा F01,
अब इस F01 को पढ़ेंगे कैसे, देखिए ये लिख दिया मैंने F01, तो इसको पढ़ेंगे प्रथम आवेश के द्वारा। ये 1 मतलब प्रथम आवेश हो गया और नॉट का मतलब परीक्षण, प्रथम आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो देखिए परीक्षण आवेश के द्वारा जो परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है उसकी गणना करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम ये बताता है एफ वेक्टर इक्वल के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r के, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर 01 इक्वल के q1, q1 की जगह यहां पर आ गया q0 और q2 की जगह हो गया q1, r स्क्वायर 01 r कैप 01 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी टाइप जो सेकंड चार्ज है q0 वो फोर्स अप्लाई कर रहा है परीक्षण आवेश q0 पर, तो क्या हो जाएगा F02, F02 की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q0 Q2 अपॉन R स्क्वायर 02 R कैप 02 इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो देखिए फाइनल चार्ज के लिए ले रहे हैं F0N, जो ये Q1 है वो आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा, उस बल का मान है F0N, अंत आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। F0N equal KQ0 QN R square 0N R cap 0N equation number 3। देखिए मैंने आपको कहा कि जब दो से अधिक चार्ज हो जाएगा तो प्रिंसिपल यूज होगा, वो प्रिंसिपल होगा सुपरपोजिशन वाला, और सुपरपोजिशन को हिंदी बोलते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब देखिए F01 equal 01K 012 F0N put the values, इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करने पर इनकी ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थ्री से हमने वैल्यू पुट कर दी KQ0 Q1 अपॉन R स्क्वायर 01 R कैप 01 KQ0 Q2 अपॉन R स्क्वायर 02 R कैप 02 KQ0 Q1 R स्क्वायर 01 R कैप 01। अब देखिए इस इक्वेशन में हमें कॉमन पार्ट क्या है, इस इक्वेशन में कॉमन है KQ0, तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया KQ0, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज पेस्ट कर दिया, यहां पर लिख दिया मैंने। तो देखिए ये जो एक सीरीज है जो मतलब बार बार चेंजेस हो रही है, तो मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखा है, समीशन आई स्टार्टिंग, आई का मतलब इनिशियल हो गया, इनिशियल स्टार्टिंग कहां से हो रहा है एन से और फाइनल कहां तक है एन तक। तो देखिए क्यू को I1 R स्क्वायर 0i एंड R कैप 0i लिख दिया, ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, जबकि फाइनल जो फार्मूला है वो फाइनल फार्मूला ये होता है इसका। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया था सुपरपोजिशन, टेस्ट चार्ज, फोर्स अमोंग मेनी चार्जेस, ये हमने आज के टॉपिक स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे बिंदु आवेश के कारण, वो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।